कैंडिडेट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्या आप जानते हैं कि पार्टली बिकॉज ऑफ क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो के बाद आप जान सकें कि पार्टली बिकॉज ऑफ क्या होता है और ट्रांसलेशन बनाने के दौरान इसका हम कैसे यूज करते हैं। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा कि पार्टली बिकॉज ऑफ का हम जब भी प्रयोग करते हैं तो पार्टली बिकॉज ऑफ के तुरंत बाद क्या होता है, निगेटिव अर्थ देने वाले, ये आप ध्यान देंगे। पार्टली बिकॉज ऑफ के तुरंत बाद क्या होगा, निगेटिव अर्थ देने वाले शब्द होंगे। जैसा कि आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखेंगे तो पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग हम वैसे वाक्यों में करते हैं जो वाक्य में या तो कुछ तो या एक तो का प्रयोग होता है। जैसा कि आप पहला एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ तो मोटापा और कुछ तो छोटे कद के कारण उसे हटा दिया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ तो, और यहाँ पे है कुछ तो, कुछ तो के बाद ये जो मोटापा है ये क्या है, निगेटिव, ये क्या है आपका निगेटिव। और फिर क्या है कुछ तो कुछ तो के बाद क्या है छोटा कद, और छोटा कद होना क्या है, ये निगेटिव अर्थ दे रहा है। तो यहाँ क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया कि कुछ तो यानी कि पार्टली बिकॉज ऑफ के बाद क्या होगा, निगेटिव अर्थ देने वाले शब्द होंगे। तो कुछ तो के लिए हम क्या करेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मैंने क्या किया, पार्टली बिकॉज ऑफ। अब यहाँ पे मोटापा का अंग्रेजी मैंने क्या लिखा, फैटनेस, और एंड फिर कुछ तो, जितना बार कुछ तो आएगा उतना बार हम क्या करेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ लिखेंगे। तो पार्टली बिकॉज ऑफ छोटा कद, अंडर साइज, उसे हटा दिया गया, उसे हटा दिया गया। ही वाज रिजेक्टेड, अब यहाँ पे क्या कि ही वाज रिजेक्टेड क्यों है, उसे हटा दिया गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा जो है ये सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट का ये क्या है, पैसिव, उसे हटा दिया गया। तो ये क्या है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, इसीलिए हम क्या किए, ही वाज, और वाज के तुरंत बाद क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ही वाज रिजेक्टेड। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ तो हिचकिचाहट और कुछ तो डर के कारण मैं नहीं बोल सका। अब यहाँ पे क्या है, कुछ तो, और कुछ तो के बाद क्या है, हिचकिचाहट, जो क्या है निगेटिव, और कुछ तो डर, डर भी क्या है आपका निगेटिव, के कारण मैं नहीं बोल सका। तो फिर कुछ तो के लिए हम क्या करेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, हिचकिचाहट के लिए हेजिटेशन, और एंड कुछ तो, पार्टली बिकॉज ऑफ डर, फियर, मैं नहीं बोल सका। अब यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा पास्ट एबिलिटी, ये क्या है पास्ट एबिलिटी, मैं नहीं बोल सका, ये क्या है पास्ट एबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पास्ट एबिलिटी को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं, तो आई कुडंट स्पीक। तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एक तो बीमारी, अब एक तो के बाद क्या है बीमारी, ये क्या है निगेटिव, और एक तो अज्ञानता, यहाँ भी क्या है अज्ञानता, क्या है आपका निगेटिव, के कारण उसने सब कुछ खो दिया। तो एक तो के लिए भी हम क्या करेंगे, पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, तो पार्टली बिकॉज ऑफ बीमारी, सिकनेस, और एंड एक तो, पार्टली बिकॉज ऑफ अज्ञानता, ऑफ इसके लिए क्या करेंगे, अज्ञानता के लिए इग्नोरेंस, उसने सब कुछ खो दिया, ये भी क्या है हमारा, ये क्या है सिंपल, सिंपल पास्ट, उसने सब कुछ खो दिया, ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो ये क्या है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट में जानते हैं कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं, तो ही लॉस्ट एवरीथिंग। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप पार्टली बिकॉज ऑफ का इस्तेमाल करना अच्छे तरह से सीख पाए होंगे। धन्यवाद।